हे गाइस, होप यू गाइस आर गुड एंड सेफ। एंड आज मेरा थोड़ा सा मूड खराब है, खराब हो रखा है। उसका रीज़न ये है कि आप लोग जानते हैं कानिट्स ब्रांड जो अब हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है, उसके आउटफिट में कुछ गड़बड़ हो गई। और जैसा मैंने बोला था, मैंने उनको पूरा एक्स्ट्रा भी दिया जो फैब्रिक है, उसके बाद भी कुछ गड़बड़ हो गई। इंटेंशनली उन लोगों ने यही किया, दैट आई नो। ये सारी चीज़ें मुझे पता हैं। सो अभी मैं फटाफट से भाग रही हूँ। मैं खाना बना रही थी और आज मुझे मटर पनीर बनाना था, बिकॉज नवरात्रे खत्म हुए हैं और लहसुन प्याज इतने दिन से बंद था। तो वंशी और सबकी फरमाइश थी कुछ अच्छा खाना है, वो भी फिर बीच में सिलेंडर खत्म हो गया। फिर उपेन भैया को मैंने सिलेंडर लगाने के लिए बुलाया, बिकॉज मुझे सिलेंडर नहीं लगाना आता। एंड आई वॉज ऑन कॉल कंटिन्यूसली, यू नो, पिछले 3-4 आवर्स से। और आज मेरा शूट है, और शूट के कुछ आउटफिट्स हैं वो भी मास्टर जी ने नहीं दिए, तो वो भी मैं एक बार कलेक्ट करने जा रही हूँ। और अभी 12 मुझे ऑलरेडी बज चुके हैं, राहुल जो शूट के लिए आने वाले हैं, उसके बाद मुझे आने के लिए रेडी भी होना है। और जो अभी माथा पच्ची होगी वहाँ जाके, वो एक अलग चीज़ है। समझ नहीं आ रहा सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, बट आई नो मैं मैनेज कर लूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। और अभी मैं जाती हूँ फटाफट से, और जितने शायद राहुल अभी आए नहीं है बट आने वाले ही हैं, और फिर फटाफट से आके मैं रेडी होके शूट भी। और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, दो मुझे इतना फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा बिकॉज वो फास्ट रहते थे तो आप कुछ नहीं लेते थे। सो मैंने बस चाय ली है, सो अभी उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे रिलीफ है, क्योंकि वो एक आदत है, क्योंकि डेली डेली यू नो 9 डेज तक फास्ट थे, तो आज इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट मुझे कुछ खाना था, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना था। जिम के लिए जो हमारे सर हैं वो छुट्टियों पर हैं, तो हम लोग अभी 2-3 दिन में जाएंगे। सो ये सब पता नहीं हाउ विल आई मैनेज, बट आई नो आई विल हैव टू एंड आई शुड, आई मस्ट एंड आई विल। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, ऑलरेडी इट्स 1 o'clock और बहुत माता पच्ची के बाद चीज़ें थोड़ी सी होना शुरू हुई। और राहुल एज ऑलवेज आज लेट हैं। आज फिर से मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार अगर आप लेट आ रहे हो तो बता दिया करो, सो दैट आई कैन मैनेज माई अदर वर्क अकॉर्डिंगली। एंड दिस इज़ वेरी वेरी अनफेयर अगर आप लोगों में से कोई वेट करता है या कराता है, बिकॉज सबके टाइम की एक यू नो वैल्यू होनी चाहिए और होती है। बिकॉज यू नो मैं अपना एक एक मिनट यूटिलाइज करके चलती हूँ, कि अगर वो काम नहीं हो रहा तो मैं उसमें वो कर लूँ, और अगर कोई लेट होता है तो मेरे सारे काम डीले होते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे माइंड का दही हो जाता है। जो ऑलरेडी अभी मैंने बताया कि मैं खाना बना रही थी उस टाइम, तो मटर पनीर बना नहीं था, तो मैंने यहाँ दीदी को बोल के कि उसको ऑफ कर दें। लेकिन सब अपने अपने कामों में रहते हैं, क्या पता वो प्रॉपरली, क्योंकि आपको पता होता है कि ग्रेवी आपको थिक रखनी है या फिर कैसा रखना है और कैसा कब क्या। सो मेरी सब्जी वैसे ख़राब हो गई होगी, दैट आई नो, बट एनी वेज अब घर चलते हैं। मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, राहुल से मेरी दोबारा बात हुई है, एक तो वो अब निकलेंगे और शायद 1:30-2 बजे आएंगे। सो आप सोचिए हर चीज़ डिले होने लगी। दो मुझे पता था कि ही इज़ लेट, और मैं बस ये देखना चाह रही थी कि वो टाइम पे आएंगे या नहीं आएंगे, इसलिए मैंने इस टाइम ये काम किया, सो दैट मैंने अपना टाइम यूटिलाइज किया। अदरवाइज मैं वेट करती रहती और मेरा टाइम वेस्ट होता। बट प्लीज़ गाइज, बी ऑन टाइम, बी पंक्चुअल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट खुद के टाइम की वैल्यू कीजिए यार, और जो करते हैं हेड्स ऑफ टू देम। मेरे साथ तो हमेशा यही चीज़ है कि मैं हमेशा टाइम पे पहुंचती हूँ, शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, बट मेरा ये फिक्स है कि आई एम ऑलवेज ऑन टाइम एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, बिकॉज यू नो पंचल होना और लाइफ में एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, अभी मैं घर निकलती हूँ, रेडी होती हूँ, शूट के लिए सारी चीज़ें करनी है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। तो मैं घर पहुंच गई, इट्स टू हॉट और भूख भी लगी, बिकॉज कुछ खाया नहीं। फटाफट से कुछ खाती हूँ, देन तैयार होती हूँ, एंड देन फिर मिलते हैं। सो ही इज़ लिसनिंग द सॉन्ग टू द कॉल, सो दैट हम सारा शूट उस हिसाब से कर पाएं। ये पीछे का मैं द प्लीज इग्नोर कीजिएगा। मैं दिखा रही हूँ राहुल कैसे मंत्र बोल के स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। Thank you.
दिख रहा है सारी। सो अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं सारीज कानेट्स की पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर आप कानेट्स के नेम से सर्च करके देख सकते हैं। और इसी का शूट चल रहा है और एक आउटफिट और आने वाला है। सो मेरा शूट इसमें कंप्लीट हो गया है। सो एक आउटफिट और आने वाला है अभी मेरे पास, उसका फाइनल कुछ टचिंग का चल रहा है। सो उसके बाद मैं उसका भी शूट करूंगी। और ये आज शूट करके, आज एडिट करके मुझे आज ही डालना है, नहीं तो पेज पे फिर बहुत लॉन्ग टाइम एक लंबा गैप आ जाएगा, विच आई डोंट वॉन्ट। दूसरा, मेरी पनीर की सब्जी बिल्कुल खराब हो गई थी बिकॉज वो जब आप बनाते हैं तो आपको पूरा पता रहता है कब बंद करना है, कितना सब कुछ करना है, तो बस ठीक है। उसके बाद अब शूट हो गया है, मैंने खाना खा लिया है, राहुल को भी खिला दिया था। एंड गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि ये सब पहनने के बाद ना इतना हैवी लगने लग जाता है। अच्छा, आपको आउटफिट डिटेल्स चाहिए तो प्लीज कानेट्स का जो पेज है वो जरूर चेक कीजिएगा। एंड डू लेट मी नो अगर आप लोगों की इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, इंक्वायरी हो। और ये वाला ब्लॉग वैसे तो मैं आज ही एडिट कर लूंगी और आज ही पेज पे भी जाएगा, तो ये ब्लॉग वैसे मैं आज अपलोड कर दूंगी, लेकिन फिर भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट होगा नहीं, होपफुली आज ये चला जाएगा ब्लॉग एडिट होके। अब मैं थोड़ा सा चाय बनाने जा रही हूँ चेंज करके फटाफट से, और वंशी बाहर गई हुई है। सो अभी मेरे पास, वैसे उसने मुझे मेकअप कर दिया था इस शूट के लिए, मैंने मेकअप किया है जो आपको, लेकिन वो ही मिनिमल सो दैट आई शुड लुक मोर गुड बिकॉज ये कानेट्स के पेज पे जाएगा। एंड ये ऐसा, मैं थक गई हूँ, मैं पानी पीती हूँ, चाय बनाती हूँ। सब मैंने चेंज कर लिया है, बहुत फैला हुआ हो रहा है, अभी साड़ी भी पैक करनी है। और ये पता नहीं मैंने कहाँ से किसको, क्योंकि मेरे आधे कपड़े उधर वाले रूम में रहते हैं और आधे इधर। सो यस, और मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अब मैं जल्दी से चाय बनाती हूँ, जो मैं 10 बार बोल चुकी हूँ लेकिन मैंने बनाई नहीं है। अब मैं जा रही हूँ फाइनली। राहुल को थोड़ा सा टाइम मिला है, राहुल खेल रहा है पबजी ये सब मिट्टू ने हाल किए हैं, ये आपको जो बनाना देख रहे हैं। कल नौमी पे बच्चों को देना भूल गए गाइज। हम लोग दूसरा शूट कर रहे हैं, पहला साड़ी वाला शूट हो गया, चाय हम लोगों ने ले ली है। और एक सरप्राइज मुझे, सरप्राइज और शॉक मिला कि जहाँ से मेरा आउटफिट आ रहा है उनका स्विच ऑफ आ रहा था फोन, बट मैंने बहुत ट्राई किया। फिर अब थोड़ी देर पहले उन्होंने पिक किया है, उन्होंने बोला कि बस अभी आ ही रहा है, और पता नहीं आ ही रहा है कब तक आएगा, जब तक हम एक शूट और कर लेते हैं उसके आने के बाद फिर वो शूट कर लेंगे, सो दैट हम लोगों को थोड़ा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। ऐसा आइए, इधर बैकग्राउंड चेंज है ये हमारा मिट्टू, इसको शूट के बाद खोलेंगे नहीं, शैतानी कर देगा ये सारी। चलिए स्टार्ट करें।
सो गाइस आउटफिट मेरे पास अभी भी नहीं आया है, 4:45 से ज़्यादा टाइम हो गया है, नेचुरल लाइट भी निकली जा रही है, फिर अंधेरा होने लगता है तो अच्छे से वो नहीं आता, ये मेरा एक नहीं मिल रहा है सो मैं दूसरे ईयर एक देख रही हूँ, लेकिन मुझे पहनना ही है, सो देखते हैं क्या करते हैं। और क्या बोल रही थी मैं कंटिन्यू उनको कॉल कर रही हूँ जहाँ से मेरा आउटफिट लेना है, बट कुछ ना कुछ डिले हो जाता है, बट हाँ मैं करवाई दूंगी, बिकॉज अब तो मुझे आदत हो जानी चाहिए ऐसी चीज़ों की, बिकॉज ये नॉर्मल है, आप कुछ भी अगर छोटा बड़ा या कुछ भी स्टार्ट करते हैं, और ब्रांड हो गया, कोई भी काम हो गया, ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करते हैं इट्स लाइक अ बेबी एंड यू विल हैव टू टेक केयर लाइक अ बेबी, सो ऑब्वियसली कि वो बड़ा होने के बाद इट विल यू नो टेक केयर ऑफ यू लाइक अ बेबी। सो आप समझ रहे होंगे कन्फ्यूज हो गए, बट मेरा कहने का मतलब यही था कि आपको अभी अपने ब्रांड को बेबी की तरह बड़ा करना है, और बड़ा होके वो आपको बेबी की तरह संभालेगा। सो यस, काफ़ी डीप। सो गाइस शूट हो चुका है, अभी 6:30 अराउंड होने वाले हैं, और मैं बहुत थक चुकी हूँ, और ये मेरी आदत है यहाँ क्लचर लगाने की, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत क्यूट लगती हूँ, वो मुझे लगता है बस, ओके, और किसी को ना लगता है और ना लगना चाहिए और जो ट्रांजिशन वीडियो थी वो मैं नहीं दिखा पाई, बिकॉज मेरे मोबाइल पे सॉन्ग्स चल रहे थे, बिकॉज जो स्पीकर है वो एंड्रॉयड में ही कनेक्ट होता है, और हम लोगों के पास जो एंड्रॉयड दोनों के पास, अगेन मैं फ्लेक्स नहीं कर रही, दोनों के पास एंड्रॉयड नहीं था, सो राहुल के उसमें भी कनेक्ट नहीं हो सकता था और मेरे उसमें भी, तो स्पीकर हम चला नहीं सकते, तो हम लोग सॉन्ग, और अगर टीवी से चलाते हैं ना तो उसमें क्या होता है बार बार बहुत पीछे वो मतलब सेट नहीं हो पाता वो सॉन्ग, मतलब उसमें पीछे करने से थोड़ा सा ज़्यादा पीछे चल जाता, आगे करने से आगे ज़्यादा वो चल जाता है, सो इसलिए सो मैं आपको ट्रांजिशन वीडियो नहीं दिखा पाई, लेकिन आउटफिट्स की डिटेल्स के लिए, आउटफिट्स की रील्स और जो आज शूट हुआ है उसको प्रॉपरली देखने के लिए, आउटफिट देखने के लिए, ग्लिम्स देखने के लिए, डिटेल वीडियो देखने के लिए आप कानिज के पेज को प्लीज फॉलो कीजिए, एंड वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, एंड आप इन लुक्स को परचेज भी कर सकते हैं, वहीं से आपको जो भी क्वेरी हो, प्राइजेस और कौन सा फैब्रिक है, वो सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको कानिज के पेज पे मिल जाएगी, कानिज के नेम से ये पेज है, और शायद थोड़े दिन मुझे आप लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कानर्स कानर्स, उसके बाद आप लोगों के यू नो पे ये ऑलरेडी रहेगा कानर्स कानर्स और एक बार हम लोगों से आप शॉपिंग करके देखिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमें सजेशन दीजिएगा कि आपको क्या यू नो एग्जैक्टली चाहिए होगा जो आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आता है तो वो भी हमें बताइएगा, और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो आप वो भी बताइएगा, हम डेफिनेटली उस पर वर्क करेंगे, बट उसके लिए आपको कानिज के पेज को फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एड ऑन होना पड़ेगा, सो दैट जितनी भी डिटेल्स हैं या जो भी आउटफिट्स आने वाले हैं या जो भी चीज़ें हैं वो आपको टाइमली पता रहे, बिकॉज स्टोरी पे हम लोगों के टाइमली अपडेट्स आते हैं, और बाकी चीज़ें तो आपको ब्लॉग में पता ही लग जाएंगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के लिए आपको कानिज के पेज को फॉलो करना पड़ेगा, सो आप वहाँ कर वहाँ उसको फॉलो करके वहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी करनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आप मुझे DM भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, एनीवेयर, और सो सारे आज एक वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, आई थिंक 8 to 9 o'clock हो जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, और बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों का आउटफिट, बिकॉज इस बार मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप मेहनत को देख के सारी चीजें यू नो करिए या हमारी मेहनत, इस बार मैं बोलूंगी आप आउटफिट देखिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग लोट्स ऑफ लव फ्रॉम योर साइड एज ऑलवेज, कानिज को आपके प्यार की बहुत जरूरत है, क्योंकि कानिज अभी बहुत छोटू सा बेबी है, सो छोटे बेबीज को ज्यादा टेक केयर करना होता है, जो कि मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद मैं अकेले इतना नहीं संभाल सकती, उसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, आप लोगों के प्यार की जरूरत है, बिकॉज उसके बिना चीजें पॉसिबल नहीं होंगी, और मुझे बताते भी जाइए कि मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, और आप लोग क्या चाहते हैं कानिज से या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, सो भी जरूर बताइएगा, हम डेफिनेटली उस पर वर्क करेंगे, सो बाय बाय, टेक केयर ऑल, डू लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यू लव द वीडियो एंड आर आउटफिट्स, एंड प्लीज कानिज के पेज को फॉलो करके उस पर बताइएगा कि आप लोगों को आउटफिट्स कैसे लगे, आउटफिट जल्दी आने वाले हैं, बैक टू बैक आने वाले हैं, और स्टोरी पे आप लोगों को पता लग जाया करेगा कि कितने बजे कौन सा आउटफिट लॉन्च होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर ऑल।